आदि पुरुष का टीजर आया और भाई पब्लिक ने जो इसकी ली है ना, तुम सोशल मीडिया पे हर जगह इसको देख सकते हो। कोई इसकी बुराई कर रहा है, कोई बोल रहा है कि 500 करोड़ का कार्टून बना दिया, और कोई बोल रहा है फेक बॉडी और फेक लुक्स क्यों। लोगों ने यहाँ तक ये भी बोल दिया कि प्रभास राम के रोल के लिए परफेक्ट कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि राम को सिंबल ऑफ लव एंड काइंडनेस माना जाता है। प्रभास पूरी टीजर में एक स्माइल तक नहीं कर रहे। टीजर देखने के बाद मुझे एक बात का आइडिया लग चुका है कि ये मूवी परफेक्ट नहीं हो सकती। हालांकि मूवी के डायरेक्टर ओम राउत का बोलना है कि ये मूवी मोबाइल स्क्रीन पर देखने के लिए नहीं है, तो मोबाइल के ऊपर टीजर को देखकर अपना ओपिनियन मत दीजिए। इस बात पे मुझे लाल सिंह चड्ढा की याद आई, क्योंकि लाल सिंह चड्ढा के टाइम पे भी करीना कपूर के कुछ ऐसे पुराने स्टेटमेंट और इंटरव्यू सामने आए थे, जिसके बाद मूवी का क्या हुआ वो आप सबको पता है। ओम राउत ये कैसे भूल गए कि भाई ये पब्लिक है, ये अगर फेम देना जानती है तो फेम लेना भी जानती है। इंडिया में लगभग 99% लोगों ने जिन्होंने इस मास्टरपीस टीजर को देखा है वो मोबाइल या लैपटॉप के ऊपर ही देखा है, क्योंकि मिस्टर ओम राउत जी हर कोई अपनी पॉकेट में थिएटर लेके नहीं चलता। वैसे मैंने इसको थिएटर में देखा और 3D में देखा, स्टिल ये टीजर उतना ही बुरा है जितना पहले था। ओम राउत का कहना है कि मूवी में सेम वही मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जो अवतार के लिए इस्तेमाल की गई थी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको ये कहीं से भी अवतार के आसपास लग रहा है क्या? अगर आप इस टीजर को ध्यान से देखोगे तो आपको बैकग्राउंड में एक भी रियल सीन नहीं दिखाई देगा, जैसे कि ये वाला सीन। अगर आप जंगल दिखाना ही चाहते थे ओम राव जी, तो भाई असली जंगल दिखा देते। भारत में जंगलों की कमी है क्या? YouTube पे हर तीसरी वीडियो में बोला जा रहा है कि रिलीज से पहले इसके VFX को ठीक किया जाए, तो मैं इसके ऊपर यही बोलना चाहूंगा कि भाई अब इसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस मूवी की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और मूवी की रिलीज को सिर्फ 3 महीने बचे हुए हैं। और अगर ये कोई नॉर्मल लाइव एक्शन मूवी होती तो शायद ये पॉसिबल हो सकता था, पर मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी और VFX का काम एक साथ नहीं हो सकता। मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी में किसी एक एक्टर की मूवमेंट को रेंडर किया जाता है और किसी एक कैरेक्टर की बॉडी शेप दी जाती है, और एक परफेक्ट शॉट के लिए 1 से 2 दिन लग जाते हैं। इसके बाद VFX वाले रो शेप वाले कॉन्टेंट को डायरेक्टर की चॉइस के अकॉर्डिंग कलर कॉन्ट्रास्ट और रेंडर करते हैं, और इसके एक शॉट को कंप्लीट करने के लिए 1 से 2 दिन लग जाते हैं। 3 महीने में रीशूट करके, मोशन कैप्चर करके, उसके बाद VFX को फिक्स करके, आपको क्या लगता है ये हो पाएगा? अल्टीमेटली जो है यही है। अब जो बन चुका है उसको देखना या नहीं देखना वो आपकी चॉइस है। मैं यही कहूंगा कि भाई ये एक इमोशन है, सो प्लीज इसको ऐसी मूवी से खराब ना करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और बिहाइंड द सीन देखने हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।